देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक और दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। शव के 35 टुकड़े करने से पहले श्रद्धा के ऊपर आफताब ने किस तरह सितम ढाए थे, इसकी दास्तां सामने आई है। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो आफताब उसे खूब पीटता था और श्रद्धा चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आफताब ने उसकी हत्या कर दी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महाराष्ट्र में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त रजत ने कहा कि वे दोनों 2018 से रिलेशनशिप में थे। शुरुआत में दोनों खुशी खुशी रहते थे, फिर श्रद्धा ने उसे बताया कि आफताब उसे खूब मारने पीटने लगा। वो उसे छोड़ना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। बाद में दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वहीं श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण की माने तो उन्हें जुलाई में ही श्रद्धा को लेकर आशंका हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जुलाई से ही श्रद्धा को लेकर चिंतित था क्योंकि उसकी तरफ से मुझे मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसका फोन भी बंद था। उसके अन्य दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करने के बाद मैंने उसके भाई को सूचित किया और हमने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के मेहरौली इलाके में आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला घोटकर कथित रूप से हत्या कर दी। उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा एवं एक के बाद एक कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद यह नरसंहार घटना 6 माह बाद सामने आई। महिला के शव के कटे हुए कुछ हिस्से मिले हैं और पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार तलाश रही है। इस खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।